सहनाभवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संप्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव प्रीति तन्मयतया तरगोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखा अमृतद्रवसंयुतम् भगवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाः प्रभुजी मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभुजी मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभुजी मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभुजी मोरे अवगुण चित्त न धरो। यमदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। एक नदिया एक नार कहावत एक नदिया एक नार कहावत आइल ही नीर भरो मैलो ही नीर भरो ओ जब मिल के दो एक भर न भाए जब मिल के एक बरन भाई सरसरी नाम परो सुरसरी नाम परो। मोरे अवगुण चेतन धरो प्रभु जी मोरे
अवगुण चित्त न धरो। लोहा पूजा में राखत, एक 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 धर बाधी कपारो, एक घर बाधी कपारो, आरस गुण अब गुण नहीं चेतबत, पारस गुण अब गुण नहीं चेतवत, कंचन करत खरो, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे, गुरदास झगरो, सूरदास झगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, कीर्तन जात ठरो, नहीं प्रण जात ठरो, जी मोरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो, मोरे अवगुण चेतन धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतन धरो। हरि लाल के जय, भागवत महापुराण के जय, वेद व्यास जी महाराज के जय, गुरुदेव जी महाराज के जय, शिव जी महाराज के जय, गुरुनाथ महाराज के जय, पार्वती पते हर हर महादेव। कल आम देखी कि भगवान रुक्मणी को किपर हरण करेंगे विषय आज आम 53 अध्याय देखा। जो रुक्मणी जो पत्र थिला ना 37-43 अध्याय 7 श्लोक बहुत ही सुंदर थिला, ब्राह्मण को बहुत ही प्यार देले भगवान कृष्ण। एठ आरंभ हो जाउछि 53 अध्याय, 53 अध्याय स्टार्ट। तो अभी हमें 53 अध्याय देखिबा भगवान कृष्णंकर विवाह। संत माने भिन्न भिन्न भावना रखन्ति, जेमिति मुचुकुंद को श्लोक रे तो लेखा हैछि तमे नेक्स्ट जन्म रे पर जन्म रे तमे गोटे ब्राह्मण कुल आसिबो तापर मते पाइबो, सेटा को संत लोग कहते ये श्रीधर स्वामी हेले, मुचुकुंद ही श्रीधर स्वामी कलिजुग हेले, कारण यहाँ तो द्वापर युग ही जाता आपर युगर भगवान को जदिओ ओनली 23-24 वर्ष हेची बाहा है, 25 वर्ष भगवान बाहा है द्वारका स्थापन पर बलराम जी बाहा है, तापर भगवान बाहा बलराम जी बाहर देख दे। तो बर्तमान सेमती
ये जो सुदेव ब्राह्मण कथा कह जाए जो ब्राह्मण थे सी ही वाल्मीकि थे जी मिसाई दे थे रुक्मणी को भगवान को माता सीता ही तो रुक्मणी ही लक्ष्मी राम ही तो कृष्ण ही कारण ब्राह्मण हाथ धरले बड़ा प्यार रे कहते हे ब्राह्मण विदर्भ राजकुमारी जमती मत चाहते मत मुझे चाहिए निद्रां चन लभे निशी मते निदा होनी मुझे चिंता कर जड़े जदि भल पा थो आने कह मुझे किसी भल पाऊनी तार मजा आस भल पाइबा दिटा जगह लव इच अदर तो भगवान कृष्ण मत स्पष्ट कहते नाई मुझे मन पकाच मोर मन मध्य विदर्भ राजन कुमारी पाखे अच्छी आते निश्चय ही केवल रेले ये जो भाई जी रुक्म मोर देश जो ही मत बह करवाठ घसिले घसी मनुष्य जमी निया बाहर कर दिए ना सेमती क्षत्रिय कूल को दहन करके निश्चय ही रुक्मणी को नहीं आसवि ये जानतु बस संगे संगे भगवान जानी रुक्मणी बहुत जस्ट काली छाड़ी पहर दिन हो मान आज काली पहर दिन मार्गशीर पंचमी दिन भगवान तिथि बहुत करेंगे से अलग कथा बर्तमान तार दि दिन पूर्व भगवान नहीं कि आसवे ना तेज जा हम ए फोटो टाइप अच्छे बहुत ब्रह्मा अच्छा बस देखते ब्रह्मा ही बहुत करोचन भगवान तुरंत काल विलंब न कर द्वारक को डाकिले जो चारोटी रथ अच्छी मान रथ जो चारोटी घोड़ा अच्छी शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बराहक ये चारोटी घोड़ार ना अच्छे पांच नंबर श्लोक तो सही घोड़ा को ज्योति देले ब्राह्मण को मध्य नहीं चलने कारण ब्राह्मण तो बर्तमान दुखी किए मैंने पैदल रे केते कष्ट होइ कासछन ना तेणु ब्राह्मण को बसैले रथ रे लिखाई छे आउही संदनम सौरी द्विजम आरोप्य तुर्ण गई अर्थात ब्राह्मण को बसैले रथ रे एवं ता पूर्व ब्राह्मण को केते सम्मान देले पूजा कले खाइबा कथा भगवान गोटे ना ही ब्रह्मण्य देव माने भगवान ताको कहते जे ब्राह्मण को देवता मानन ब्रह्मण्य देव उत्तम श्लोक अर्थात उत्तम द्वारा जी गुणगान करते जी विद्वान पुरुष गुणगान जान करते ना हूँ उत्तम श्लोक तो से ब्राह्मण को बसई देखिए अनर्थ देश को रु विदर्भ देश को आसगे अनर्थ देश मान द्वारका विदर्भ देश मान महाराष्ट्र एपटी कौन है देख एपटी बारात आसगला रुक्मी क्लीयरली कहीदे शिशुपाल मोर भी को बुझे देची से तुमको ही बड़ मार दब ए चिंता करनी तुम बाराती नहीं आस जरासंध आना विदुरथ पुंडरक ये सब पर भगवान मारे हाँ सालुक भी मरवे जरासंध भी मरव दंत भक्त भी मरव विदुरथ भी मरव पुंडरक वासुदेव जी निजको निजे वासुदेव कहे सी भी मरवे एम सब आशुपाल सब मित्र राजा मान किए जो किए बारात आए राजा हिसाब से निमंत्रण रही शिशुपाल देखिए से कहते चिंता करनी आम आओ बहर चयन रोड रही स्वयंवर जदिओ कि जबरदस्ती ना टा केवल स्वयंवर भीष्म चाहूते कि कृष्ण सहित तो मोर झीवर बाहर कि रुक्मी बहुत पावरफुल थी सी जबरदस्त कर अच्छा बर्तमान विदर्भ राजधानी जो कुंडीन नगर को केते सुंदर सजा सजी देख प्रवचन रहे ना
कि आपन को सब बेले टिप टॉप रहबा दरकार जमते आज भगवान विवाह हो छन बा उत्सव हो छन उड़िया रे कहि छि कहा जाय छि 12 मास 13 पर्व अर्थात प्रत्येक मास रे पर्व होय प्रत्येक दिन ही पर्व होय प्रत्येक दिन ही उत्सव प्रत्येक दिन ही त्योहार सुंदर रे रहबा उचित सब बेले देखो तो वर्णन है कौन कुंडेन नगर जो राजधानी राजपथ जो हाईवे छक स्थान जो चौराहा गली कंदी सब परिचन्न कराई जाइछि सब स्थान रे जल आदि छिंचा जाइछि जोटा के हम जगन्नाथपुर रे जतले सड़क रे रथ यात्रा हुए ना केमती छिंचा जाए बाकी यदि आसीबे फंक्शन हुए एंड चित्र विचित्र छोटो बड़ा सब ध्वजा पताका हैछि अलग अलग जगार सब ध्वजा पताका लगी स्त्री पुरुष समस्त गोड़े फूलमाला लगाई फूलमाला समस्त पिंधिक बड़ा खुशी अच्छा चंदन लगे सुवासित पदार्थ बोली नाना अलंकार लगे सुंदर सुंदर वस्त्र पिंधि है एवं स्त्री माने तो सुंदर सुंदर शाढ़ी पिंधि अलग अलग वर्ण भिन्न भिन्न वर्ण वस्त्र पिंधि राजा भीष्म जने कर्मकांड को जानी जने से नीति नियम कर्मकांड द्वारा कर पितृपुरुष पूजा देवता मान पूजा कर रुक्मणी विवाह स्नान कराई जे विवाह पूर्व झील मान स्नान करा जाए हलदी आदि सब मंगल सूचक कौस्तुक सूत्र बांधा दि जाए दुई खंड भल पाट वस्त्र देखते पाट वस्त्र तो महाराष्ट्र ना महाराष्ट्र शाढ़ी भी अच्छी पाखे भी मगे थे कांजीवरम शाढ़ी कांजीवरम शाढ़ी आप जानते ना कांजीवरम शाढ़ी कांजीवर बोले गोटे तमिलनाडु पाखे अच्छी चेन्नई पाखे से बहुत सुंदर शाढ़ी मिले कांजीवरम जेमती बनारस पाट ना आम ओडिशा मत संबलपुरी पाट संबलपुर पाट से कांजीवरम शाढ़ी अन्न्य महाराष्ट्र टॉप टॉप शाढ़ी अच्छी महाराष्ट्र अंडर रे ना तो शाढ़ी पिंधि अलंकार पिंधि खुशी अच्छा ब्राह्मण मान ऋग्वेद यजुर्वेद वेद मंत्र पढ़ुंट एंड मंत्र पढ़ के अथर्व वेद विशेषज्ञ मान ग्रह शांति ग्रह शांति भूत शांति वास्तुशास्त्र मंगल पोषक विवाह रूपक जिते सब नीति नियम अच्छे विधि विधान सब जानते हैं ब्राह्मण मान को दान दक्षिणा देके सुना रूपा वस्त्र देपटे चेदी नरेश दमघोष पुत्र हूँ शिशुपाल दमघोष शिशुपाल कमी मरवे आप जानते अर्जुन मारे ना ये है शिशुपाल और ये सूर्य शिशुपाल दमघोष जाकि बापा ना सी बहुत बर मागि मो पु मरवनी मुझे मरवनी मो पु सहित मोर कनेक्शन रहा कमी ना मो मो पुर मुंड कटाई जब मो कूल बाजि मोर बाजिकी जो तले पड़ज सी भी मर मर सी मन मैंने भाई एम के हबनी ना मोर पुअर किए मुंड काटिद मो कूल कहीं रख सब कथा सेटिंग भगवान जानते भगवान एमती मार एक्जाक्ट मारे से दूरक जीव जे जंगल बस जहाँ पर कथा देखा शिशुपाल बध महाभारत वर्णन अच्छे भागवत रही अच्छा बर्तमान एकपटे कौन है शिशुपाल निमंत्र ब्राह्मण मान मंगल कृत्य कर कन्फर्म हो जाए ना कल स्वयंवर नाम थिला तो स्वयंवर ना ही ये मरण बाध्य कर मदमत्त हाथी सुवर्ण मल रे सज्जित हो पदातिक अश्वारोह चतुरंग सेना सब पुत्र को नहीं दमघोष पुत्र सहित शिशुपाल सुंदर ड्रेस पैंट हो विदर्भ राज भैष्मक स्वागत प्रथा अनुजाई पूजा मध्य एवं खुशी अच्छा बरजात्री बरजात्री सब किए थिले ना सालु जरासंद दंत वक्त विदुरथ पौंड्रक समेत शिशुपाल मित्र राजा आसी राजा मैंने श्रीकृष्ण बलराम को विरोधी थे
ଏବଂ ଜାଣିବୁଝି ରୁକ୍ମିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା କିଛି ଯଦି ହବ ଆମମାନେ ତୟାର ହବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ବୈରୀ ପଲିଟିକାଲ ଏନିମି ଆଣ୍ଡ ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ନ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଚାଲୁନି ସେମିତି ସେମାନେ ଏ କଥା ସ୍ଥିର କରିକି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆସିଯିବେ ଆମମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହରେଇବା ରେଡି ରହିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅପରଚୁନିଟି କାରଣ ଦ୍ୱାରକା ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟକୁ ତ ନେଇକି ଆସିବେନି ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତ ରଥ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଦାରୁକ ପ୍ଲସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି। ବଳରାମ ତାଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଯେମିତି ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଜିମ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଲେ କି ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ କାହାନ୍ତି ନା ଦାଉଜି କୃଷ୍ଣ ତ ରଥ ଆଣିକରି ବାହାର କଲେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବସେଇକି ନେଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ଜାଣିନୁ। ଦେନ୍ ସେ ଖବର ଜାଣିଦେଲେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ବିବାହ ହେବାର ଅଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଚାହିଁଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖବର ଦେଇଥିବେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ସେ ଭାବିଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଳ ବିକ୍ରମ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବଳରାମ କହିଲେ ଚଲ ଅନେକ ଯଦୁବଂଶ ସବୁ ସେନା ନେଇକି ଚାଲ ଗଜାରୋହୀ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ପଦାତିକ ରଥାରୋହୀ ସମସ୍ତେ ବିରାଟ କରିକି ପଣ୍ଡିତ ନଗର ଅପେକ୍ଷା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେଣି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଆସିଲେନି ଖବର ଦେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ ହାଏ ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଝିଅ ଯେମିତି ଭାବେନି ବୋଧେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ତ କାହିଁ ଆସିଲେନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଯେ କେତେ ଦୂର ଲାଗିଥିବ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଯିଏ ପ୍ରେମୀ ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ ମୋ ଭିତରେ ବୋଧେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି ମୟୀ ମୟ ଅନବଦ୍ୟ ଆତ୍ମା ଦୁଷ୍ଟା କିଞ୍ଚିତ ଜୁଗୁପ୍ସିତମ୍ 24 ନମ୍ବରରେ ଅଧ୍ୟାୟ 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 24 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ମସ୍ତ୍ରାଣି ଗ୍ରହେଣ ନୂନ ନାୟାତି କୃତଜ୍ଞମ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଲେନି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଦୁର୍ଭାଗାୟମ ନମେ ଧାତା ନାନୁକୂଳ ମହେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେମିତି ଦେବୀ ଭାବି ମୁଖୀ ଗୌରୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଗିରିଜା ସତୀ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେନି ତ ସେ ଯା ହଉ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାସ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଜଳ ଆସିଯାଉଛି ଶୁଭାଗମନର ପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବାମ ଜଙ୍ଘ ବାମ ଭୁଜ ବାମ ନେତ୍ର ଏକାଥରେ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା ପଡ଼ିକିବାକୁ ଲାଗିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବା ଆଖି ବା ହାତ ଆଉ ବା ଜଙ୍ଘ ଯଦି ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ପଡ଼ିକିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏଟା ଶୁଭ ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଖି ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ଭୁଜ ଆଉ ଜଙ୍ଘ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଶୁଭ ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯାହା ହଉ ଲେଖା ହେଇଛି 27ରା ଏବଂ ବଧ୍ୱା ପ୍ରତୀକ୍ଷନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗମନ ଅନୁରୂପ ବାମ ଉରୁ ଭୁଜ ନେତ୍ର ଏକାଥରେ 3ଟା ଯାକ କୋଠି କୋଠି କେବଳ ବା ଯଦି ନେତ୍ର ଆଖି ହେଇଗଲେ ବି ଜାଣିବା ଯାହା ହଉ ଶୁଭ ଅଛି
गोटे गोटे भुजा फड़क जाए ये हूँ नियम यहाँ सकुन शास्त्र कह जाए देखुना आम अर्जुन प्रथम अध्याय कही मोर या हूँ से सब अशुभ लक्षण कहते विपरीत आने के सब मु विपरीत लक्षण देखुची चेहरा हूँ विपरीत लक्षण ये शुभ लक्षण ठीक से ब्राह्मण देवता आसीगले भल लगला सी जन देखिले ब्राह्मण भी देखिले ध्यान मग्न है देवी बस ब्राह्मण को मुख प्रफुल्लित हो मन भितर कौन प्रकार व्यस्तता लगुनि ब्राह्मण को देखिकी जान दे भगवान कृष्ण आस ब्राह्मण सब पचारे खुशी है कि सी जो देखते ब्राह्मण ब्राह्मण तो भेट पाई पारे आम जानपार ना सी मध्य खास लोक थे श्रीकृष्ण आसीगले कहीकि ब्राह्मण तरह बहुत प्रशंसा कले आपण से नहीं जीवे यहाँ से प्रतिज्ञा कर चिंता करतु ना उक्तम च सत्य वचनम आत्मा उपनयनम प्रति आपण को से नहीं जीवे उपनयन मैं नेबा हालांकि उपनयन संस्कार हुए ना जो ब्राह्मण मान ये हूँ नेबार अर्थ मंत्र नियंति से उपनयन उपनयन भल भाव नियंति ये आपन को से नहीं जीवे समाचार पाई रुक्मिणी को बहुत ही खुशी गले आउ ब्राह्मण देवता कौन जे वस्तु दे था केवल नमस्कार कले ये जदि लक्ष्मी माना किसी धन संपत्ति था ब्राह्मण मान आज धनी था माँ लक्ष्मी दे नमस्कार कले एणु ब्राह्मण मान को ना सम्मान ही मिलूच धन मिलूनी लक्ष्मी जाणी बुझे दे तार दी तीन टा कारण अच्छे मुझे बर्तमान किसी देवी ताने किए जदि देखिए मैंने कम है विघ्न हो विघ्न हाँ चाहूनी आ ब्राह्मण सी अकिंचन ब्राह्मण से किसी चाहूना मत तेना मु नदेवी मुझे जो भगवान सहित हे रही बहुत से भगवान को इच्छा मुझे निश्चय देवी सुदामा ब्राह्मण से मागिबा पई आसीबे नी किंतु आसीबे जो भगवान को इच्छा मुझे मांकर अनेक भाव से जाओ भीष्म को जो शुणा को चाहे जान ले कि श्रीकृष्ण आछन्दे बलराम मध्य आसुचे बहुत खुशी गले बलराम आसी ना रि बलराम आसबे खबर भी मिलगला सांगे सांगे बाद्य बजे पूजा सामग्री आसले मधुपर्क निर्मल वस्त्र उपहार आनले भीष्म को बहुत बुद्धिमान थे सी जानी रुक्मी चाहूनी एणु भगवान राम जमते बातिकार थे सेमती बहुत सुंदर भाव कृष्ण को व्यवस्था कराइले बर्तमान सब पचरा पचारा रुक्मी पचारे सी कमी आसिले कौन है कि शिशुपाल भाई हूँ कृष्ण मा देख बोले शिशुपाल माँ कृष्ण बुआ तेना किए जो कह शिशुपाल तरफ रु आसते शिशुपाल देखे देख मु बाहा हूँ तो आसबू को ना आसबू तो आई पचार पार ना अच्छा भगवान कृष्ण प्रभाव एत व्यस्तता रुक्मणी आचारे सी जन वीर क्षत्रिय अभिमानी वीर से कहीं केमी आसला न करके से बर्तमान फेस करने व्यवस्था करे सांगे जरासंध विदुरथ पौंड्रक आदि को कहला जदि किसी असुविधा हम ताहले चिंता करंतु नहीं आपण गोटे काम करंतु ना कौन पूर्व पूर्ण रूप से सुरक्षा करंतु रुक्मिणी को ही जगात आ किसी ना एटा मेन हूँ आम मान तार शत्रु नुह विवाह युद्ध करवा उचित ना आम तरफ आ कृष्ण तो पावरफुल पावर बलराम इज टू पावरफुल जदि बलराम आसुचार आम मान निज तरफ युद्ध करवा उचित नुह ताहले कौन करवा उचित
ना बस टिके अपेक्षा करन देखंतु रुक्मिणी को आपण कॉर्डन करके रखन रुक्मिणी शुड बी प्रोटेक्टेड ठीक अछि तो भीष्म को बहुत सुंदर जानी छथि भगवान को भक्ति भगवान भी जानी छथि एण तंग प्रति भक्ति थेला सेव सेना अन्यान जत्र बलराम मध्ये आश्चर्य सत्कार करैले भीष्म को निमंत्रण सेटा को जत्र सब आसीथिले सेमान को पराक्रम वयस बल समस्तंकर इच्छा अनुसार स्टैंडर्ड देखे के व्यवस्था करै देले मैं कहूल ना भगवान राम जेमते बाटिकर रखले सेमते शुद्ध स्वतंत्र जगह रखले एवं विदर्भ नागरिक मान खुशी हो गले जेमिति से जानते कृष्ण बलराम बलराम जिते वृंदावन था मथुरा आसते तो मथुरा नारी मान देखिक खुशी हमें आम मान देखा तेरे देखते विदर्भ मान महाराष्ट्र जो सब विदर्भ देश नागरिक मान माँ मान स्त्री मान सब देख खुशी गले भगवान जो नयन ना भगवान जो मुखपद्म मधुर मकरंद पान कर समस्ते निज निज भाविले कौन जान ला कौन 38 रे कहते आमर भाग्य पूर्व जन्म किसी पुण्य कर किंचे सुरचितं यन्नस्तेन तुष्ट स्त्रीलोक कृत अनुग्रह्णात गृह्णातो वैदर्भ्या पाणिम् अच्युतः ससरे देखियो गले आमी माने केते भाग्य पूर्व जन्म रे बा ए जन्म रे सत्कर्म करथिलो भगवान को देखु छु जो जे भगवान ये तुष्ट स्त्रीलोक कृत तीन लोक को यही तैयार करछन त्रिभुवन विधाता आ कृष्ण ही आमर रुक्मिणी पाई ही उपयुक्त कृष्ण ही बर पाई उपयुक्त भगवान ही बर पाई उपयुक्त भगवान ही पांते कि ए जो स्वयंवर करुचंती किंतु रुक्मिणी सेना जबरदस्ती लोक शिशुपाल को करउची किंतु देखरा गले सिए पूर्ववासी माने बड़े प्यार कथा कितने सुंदर ना या हो कि रुक्मिणी ही पांत एम कथबार्ता हूँ सकाल सकाल रुक्मिणी गाधेले सुंदर भाव अंतपुर को जीवे बहुत सुरक्षा बहुत तगड़ा था मानते बिलकुल सैन्य मान कड़न रे कड़न थी किसी गड़बड़ हो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कौ जो जगार किसी गड़बड़ हो सुरक्षा टॉप थिला भगवान प्रेम मूर्ति कृष्ण चरण कमल चिंतन करके माँ रुक्मिणी सी जान बुझे कि पादरे गले रथरे गले से रथरे भी जाई पारथाने किंतु कहले नाई मोर मंदिर को मंदिर बहुत एत दूर भी नथियो तंकर ही भारत वर्ष बड़ बड़ सब मल देखु ना पाखर गोटे सुंदर मल विशेष करके राजस्थान रे अन्य जो सब महल अच्छी से गोटे सुंदर मंदिर भी था तेना दुर्गा मंदिर अच्छी भवानी मंदिर से पादरे गले से मौन रहिले कारण बेसी कथबार्ता कौन किसी असुविधा किए जन पचार देवे कौन हम मौन बहुत पूर्व मौन मन टा रही भगवान से डिस्टर्ब हाँ पाई चाहू ना मौन रही राज सैनिक मान कवच पिंधे अस्त्र शस्त्र धरिकी विवाह मांगलिक कामना मृदंग शंख ढोल घेरी तूरी सब बाजुला फूलमाल चंदन आदि सुगंध द्रव्य धरी भल भल लुगा पटा गहना घंटी सब पिंधे ब्राह्मण पत्नी माने मध्य उपहार राज सामग्री सब नहीं चलते अनेक दासी मध्य थेले एवं गायक माने गीत गाउथले गायक माने गीत गाउथले बहुत खुशी थे से तापरे बाधक माने बाज बजाऊ सुत मगध माने कन्यार चतुर्थी करे जयध्वनि जसगान करते कुड़ुगुड़ करते जयकर करते देवी को मंदिर मध्य पहुंची रुक्मिणी प्रथम पद्म तुल्य सुकोमल हस्त
पद धोइले देख मंदिर जीवर के सुंदर व्यवस्था अच्छे पानी थी जमी आम गोल्डेन टेम्पल जगन्नाथ मंदिर रही तो सेमती पानी व्यवस्था थी सब धोले शांत भाव मंदिर प्रवेश कले सब वर्णन अच्छे हाँ बहुत बढ़िया जो कले अच्छा वृद्धा ब्राह्मण मान ब्राह्मणी मान सब थे झील मान कारण माँ लक्ष्मी सहित ब्राह्मण मान दिन ब्राह्मणी मान थे से जानते तो से भगवान शंकर को दर्शन करेले माँ दुर्गा को कहले प्रार्थना करो तो रुक्मिणी माँ भगवती को प्रार्थना कले देख 46 श्लोक 53 अध्याय 46 श्लोक नमस्ते त्वंबिके भीष्मं स्वस्वन्तानयुतां शिवां भूयापतिर्मे भगवन् कृष्णास्तदनुमोदताम् ब्राह्मणी माने जहां कही कले नमस्ते त्वं अंबिके हे अंबिका मां मु आपणंकु प्रणाम करुचे स्वसंतान यतम शिवाम गणेश आपणंका प्रिय पुत्र गणेश को मध्य प्रणाम करुचे आपणंकु बारंबार नमस्कार एतिक जोर रे कहि देले फिर धीरे कोन कहउछन्ते सेटा को जोर रे कहुना भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ही मोर पति हुवंतु तद अनुमोदताम एथिपाई आपण मते प्रसन्न हुवंतु आशीर्वाद दियंतु अनुमोदन करंतु शब्द केते सुंदर अनुमोदन रिकमेंडेशन करंतु ग्रांट करंतु मते गुण दियंतु प्लीज बी माने बी प्लीज विथ मी या करो प्लीज प्लीज विथ मी प्लीज प्लीज विथ मी ओ कितना सुंदर रामचरितमानस रे ही अच्छी गई भवानी भवन बहुरी वेद चरण बोली करजोरी करजोर रे गाउछन कौन गाउछन आ के देखिया पर सुंदर भवन रामचरितमानस रे गए भवानी भवन भोरे बंदे चरण बोली करजोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सढ़ानन माता जगत जननी रामिनी दुष्ट गाता नहि तव और मध्य अवसाना नहि तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाहु वेद नहि जाना शब्द देखो तुलसीदास जी के लिखिछन्ते भव भव विभव पराभव कारिणि शब्द प्रणाम दक्षिण भव भव विभव पराभव कारिणि विश्व विमोहिनि सवस विहारिणि पति देवता सुते अमहु मातु प्रथम तव देख महिमा अमित न सकै कहे सहस शारदा शेषिया बर राम चंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय उमापति महादेव के जय बोलो भाई सब संतन के जय दई भवानी भवन बहोरी भवानी भवन माने भवानी मंदिर भवन मंदिर बंदी चरण बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାର ଝିଅ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ କେମିତି ହବ, କେତେ କାହାର ଝିଅ, ଆପଣ କାହାର ଝିଅ ନା ଗିରିବର ରାଜକିଶୋରୀ, ଆପଣ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଝିଅ। ଜୟ ମହେଶ ମୁଖ ଚନ୍ଦ ଚକୋରୀ, ଆପଣ ପତ୍ନୀ କାହାର, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର। ଜୟ ଗଜ ବଦନ ସଡାନନ ମାତା, ଆପଣ ମା କିଏ, କାହାର ମା ଆପଣ, ନା ଗଣେଶଙ୍କର ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା। ଜଗତ ଖାଲି ଆପଣ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମାତା ନୁହଁ, ଆପଣ ଜଗତର ମାତା। ଜଗତ ଜନନୀ ଦାମିନୀ ଧୂତି ଗାତା, ନାହିଁ ତବ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅବସାନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅବସାନ, ଅବସାନ ମାନେ ସଂହାର ନାହିଁ। ଅମିତ ପ୍ରଭାହୁ ବେଦ ନେହିଁ ଜାନା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେନି। ଭବ ଭବ ବିଭବ ପରାଭବ, ଶବ୍ଦର କରାମତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ କେ ତାଲ ଦେଖି, ଭବ ଭବ ବିଭବ ପରାଭବ କାରିଣୀ, ମାନେ ଭବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭବଟା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଂସାର, ଭବ ଭବ ବିଭବ ମାନେ ଏ ଭବ ଭବ ଦି ଥର ଅଛି ନା, ଭବ ସଂସାର, ଭବ ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିଭବ ମାନେ ସ୍ଥିତି, ପରାଭବ ମାନେ ସଂହାର। ଇଏ ଭବ ଭବ ବିଭବ ପରାଭବ, କ୍ୟା କମାଲ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ବିମୋହିନୀ, ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ୟନ୍ ମାୟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ମଖିଲମ ବିମୋହିନୀ ସୋବସ ବିହାରିଣୀ, ପତି ଦେବତା ସୁତୀୟ ମହୁ ମାତୁ ପ୍ରଥମ ତବ ଦେଖ। ହେ ମା, ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ ରାମ ହିଁ ମୋର ପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏଇଠି ଭୂୟା ପତି ମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ତଦନ ମୋହତାମ, ମା ରକ୍ମଣୀ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଜଳ ବି ଦେଲେ, ଅନେକ ପୂଜା କଲେ, ଗନ୍ଧ ଅକ୍ଷତ ଧୂପ ଅର୍ଘ୍ୟମ ସମର୍ପୟାମି, ଗନ୍ଧମ ସମର୍ପୟାମି, ଅକ୍ଷତମ ସମର୍ପୟାମି, ଧୂପମ ସମର୍ପୟାମି, ବସ୍ତ୍ରମ ସମର୍ପୟାମି, ପୁଷ୍ପମାଳମ ସମର୍ପୟାମି, ହାରମ ଆଭୂଷଣ ନୈବେଦ୍ୟମ ଆଦି ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆରତୀ କଲେ। ଜୟ ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ ଆରତୀ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ, ଲୁଣ ମିଠା ପାନ କଣ୍ଠସୂତ୍ର ଫଳ ଆଖୁ ଦେଇକି ସବୁ ପୂଜା କଲେ। ପୂଜା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦେଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ, ମୌନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କାରଣ ଏ ଭିତରେ ମୌନ ଥିଲେ। ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେଶ ଆସିବନି, ବାସ୍ ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାହାସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଥିଲା, କାରଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଏବଂ ତା ନିୟମ ବି କରିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭଗବାନ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, କରକମଳ ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରେ ଝଲମଲ ହଉଥିଲା, ସେଇ କରକମଳ ଜଣେ ସହଚର ହାତ ଧରି ଗିରିଜାକ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ତ ମାୟା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ ବଡ ଧୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ କରେଇ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ମୁନି ବ୍ରତ ମଥମ ତକ୍ତ୍ଵା, ମୁନି ବ୍ରତ ମାନେ ମୌନ, ମୌନ ବ୍ରତକୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରିକି ନିଶ୍ଚକ୍ରାମ୍ବିକା ଗ୍ରହ, ନିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଗ୍ରହ, ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଗ୍ରହ ପାଣି ନାମ ଭୃତ, ଭୃତ ମାନେ ସଖୀ, ସଖୀର ଗୋଟେ ହାତ ଧରିକି ବାହାରିଲେ। ତାମ ଦେବ ମାୟାମ ଏବଂ ବୀର ମୋହିନୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଇଏ ବୀର ମୋହିନୀ, ସୁମଧ୍ୟମାମ କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କଟି ଭାଗ ନା, ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସରୁ ଥିଲା, ମାନେ ପତଳା ଥିଲା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟି ଭାଗ ପତଳା ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ମନାଯାଏ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳର ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ତରୁଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିଶୋରୀରୁ ତରୁଣୀ ଅବସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଅଣ୍ଟା ସୂତା, ବକ୍ଷସ୍ଥଳର
सुंदर देखा जाऊला मथर झुली पड़ूला अलका भाई चंचल भल लगुला अधर रु झरी पड़ा मनोहर मृदु हास कत सब फड़की गला से जानते भगवान आसबे दंत पक्ति कुंदकली समान उज्जवल होता दंत पक्ति जो दात कुंदकली जो फुलटा अच्छे ना ताया एवं उज्जवित पक् बिंब भाया रक्तिम अधर रालीमा हेतु ईस लाल देखा जाता ये जो ओठटा आजिकल तो सब ये पड़े ना लिपस्टिक लगा पड़े कितु से समय ऑटोमेटिक तार लाल छोट छोट घुंगरू पिंधे रुणुझुण रुणुझुण शब्द होता निजर सुकुमार चरण से राजहंस भाया धीर मंत्र गति से चलते कहीं लक्ष्मी मा योग माया भगवान अपूर्व छवि देखिए बड़ बड़ वीर मान मोहित हो जाते भगवान कार्य सिद्धि करने निम्ते जानतु कामदेव जमी पंच बाण से हृदय जर्जत करते कामदेव पाखे ना पंच बाण था पंच फूल पांचटा फूल कह जाए पद्म फूल अशोक फूल आंबर बउल चमेली जस्मिन जहाँ कहते हैं नील पद्म ये हूँ पांचटा ये कामदेवर पांचटा फूल स्वर करें धनु स्वर एवं भगवान शंकर छाड़ी भगवान शंकर ही त्रिनेत्र खोल देखे जड़े दे कामदेव आगे कथा आसो तो बर्तमान ये कामदेव जमी पंचवाण समस्त को मोहित कराई दे भावना उत्सव जात्रा बाहन रुक्मणी एपरि मंद मंद गति पाद दे कृष्ण शरण से ही मन थी निजर राशि राशि सौंदर्य उत्सर्ग कर देख मृदहास देख चाहणी रे बड़ बड़ नरपति मोहित हो गले के तो बेहोश हो गले कहा अस्त्र शस्त्र खसी गला से माने निज निज रथ हाथी घोड़ा तौक खसी पड़े आने हटात भगवान कृष्ण रथ रसीगले हाथा बढ़ेदे सांगे सांगे जो हाथ बढ़ी बा हाथा अड़ेदी से आसी नरपति मैंने हटात से देखी श्याम सुंदर दर्शन हो गला एवं जमीती सिंह आसे बिलुआ पल रु नहीं जाए सेमती भगवान कृष्ण आसिके सांगे सांगे नहीं चलने जरासंधर अधीनस्थ अभिमानी राजा मैंने हटात अपमान जनक भाविले एवं सहन कर पारे नहीं समस्त क्रोध हो अरे अरे देख 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 धनुर्माण धरी ठिया ठिया हो ये गौर पिलाटा आमर सिंह भाग को गधिया नहीं पड़ेगा भाया से कहते एपटे सुखदेव जी कौन कह सिंह निक्ष रुक्मणी मत चिठी दे कौन आपण भाग सिंह निचे ये गधिया पोल शिशुपाल नहीं जी उल्टा कहे अरे ये गधिया नहीं गला आम भाग टा को ना सांगे सांगे सी कौन कले कुआ कही गले राजा मान अग्निशर्मा हो गले कवच पिंधिले जान बान बाहरी पड़े निज निजर सेना सहित धनुर्बाण धरिके से कृष्ण को गड़े चलने शत्रु मान आक्रमण करके माड़ी आसुचंती जदुवंश मध्य बलराम एपटे आसले बलराम आसिके देखले कि अच्छा जानपारे कि पचुक बोल पर देखले शत्रु सम्मुखीन है जरासंद विरुथप दंत वक्त्र पौंड्रक ये सब जाक सब युद्ध करने सब निपुण थे जरासंद्र सैन्य तो अनेक आरे सब आसगले किए रथ रे रही किए धनुर्विद्यार निपुण जदुवंश सरवृष्टि कर चलने मुसलधार जल वर्षा जमी हूँ चलना विराट रुक्मणी देखिले स्वामी श्रीकृष्ण सेना बाण वर्षा आच्छादित हो गले देख लाज लाज हो भयभीत नयन श्रीकृष्ण मुख को चाहिए कृष्ण हसिके कहले आलो सुंदरी चिंता करनी भय करनी आमर सेना तुम शत्रु सेना को एक क्षण विनाश करदे बलराम आस
एवं कहले मो भाई आसीगले चिंता कर बस बलराम मध्य महात्म्य रुक्मणी माँ शुणी बहुत ही खुशी गले जदुवंश सेनार पराक्रम को सहन न कर पारे से बाण से शत्रु हाथी घोड़ा रथ मान छिन्न भिन्न करदे से सरांग हाथ में शत्रु पक्ष कोटि कोटि रथारोही गजारोही अश्वारोही कारण जरासंध पाखे जी बाकी बड़का सब थी ना सब नहीं आस गोटे मौका मिल बहुत दिन ये डरपो रणछोड़ कृष्ण मु प्रत्येक वर्ष चाहूल युद्ध करने अठर थर युद्ध कर उत्फुल्ल खुशी तार पूरा छाती फुली जाइए कारण अठर थर रेटीन अष्टादशतम से मन को डिक्लेयर कर जीतीगली कारण एमने सब हारिके देख पलि गले मथुरा छाड़ दे पलि द्वारका कृष्ण मध्य पहाड़ उपर जा पलि प्रथम तो किसी दिन जान ला कि मरीगले और जो जान ला कि द्वारका मैंने रही सारे खसला से देखा मोर डर ही गले अर्थात जे 18th वर मु जीतली एटा से कहिबो बर्तमान पर खाली आम देखिए आज तो सब एत देखने टे जस्ट मुझे युद्ध कराई दूसरी तापर कालीर बाकी कौन घटना भगवान थी बाहा भी हे तो बलराम को देखिकी गद सब खुशी गले अन्यान्य सब जदुवंशर सब सैन्य मान सहित खुशी गले शीर भूमि पड़ला खड़ग गदा धनुषर कोटि कोटि हाथ कवट जंग पाद खंड खंड हुई तले गदा पड़ला घोड़ा हाथी खचर गोट संग्राम सब मुंड शेष जदु मान शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करदे फल जरासंध मध्य डरी गले आउ युद्ध कर पारे सब डरी गले कौन है मान का देख आज ये था ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीरमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नारायण हरि नारायण नारायण शिष्यते ओम शांति शांति शांति।